नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर बीते 18 दिसंबर की है। आगरा में दिल दहला देने वाला वाक्य सामने आया जिससे सियासत तक हिल रही है। दरअसल मामला आगरा के लालू गांव में रहने वाली संजली का है। संजली कक्षा 10 की छात्रा, स्कूल के ही 500 मीटर की दूरी पर खड़े कुछ लड़कों ने उससे छेड़छाड़ की। इसका विरोध संजली ने किया तो लड़कों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे संजली के शरीर का 60% हिस्सा झुलस गया और उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों से मामले की जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन लड़की की मां ने साफ इनकार करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात हमारी बेटी ने हमें नहीं बताई जिससे उसे कोई परेशान करता है या नहीं। मामले की जानकारी लेने के लिए सपा के नेता और उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष विमला वामत भी पहुंची और पूरे मामले के लिए डीएम और एसएसपी को टेलीफोन पर बात करने के बाद कहा कि इस परिवार की पूर्ण रूप से मदद की जाए। पिछले 2 दिनों से मौत से लड़ रही संजली हार गई और आज रात उसका दिल्ली के अस्पताल में देहांत हो गया। उसके शव को आगरा पहुंचाया गया जिससे पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार एक शख्स इस घटना से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। संजली के चचेरे भाई को भी पूछताछ के लिए 2 बार बुलाया गया, लेकिन वह नहीं पहुंच पाया और संजली की मौत के ठीक 8 घंटे बाद कीटनाशक दवाई खाकर जान दे दी। इससे पुलिस के शक की सुई परिवार पर घूम रही है। पुलिस को योगेश के छत और उसके पड़ोस से कबाड़ के ढेर से पत्रों का पुलिंदा मिला है। इस दर्दनाक घटना से विधानसभा में भी असर देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने इस घटना को शर्मनाक, निंदनीय बताते हुए योगी सरकार की निंदा की और कहा कि इस सरकार में बेटियाँ असुरक्षित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए आगरा से ब्यूरो बच्चू सिंह की खास रिपोर्ट। घटना दुखद और विदारक है। एक बेटी गई है और अभी मुझे मालूम पड़ा है कि इसके परिवार में किसी अन्य परिजन ने भी विषाक्त खाया है। कितना हृदय विदारक और निंदनीय तो है। शासन स्तर से जितनी मदद हो सकती है पीड़िता के परिवार की, उतनी मदद का भरोसा और विश्वास दिलाती है। और साथ साथ एसएसपी साहब को ये भी पुलिस को निर्देश है मेरा कि जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। खुलेआम पेट्रोल डाल के आग लगाना ये बहुत ही अत्यंत दुखद और बहुत सोचनीय विचारणीय ये हुआ है हमारे यहाँ। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, भगवान उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे जो असहनीय है और शायद जिंदगी भर वो जब तक जिएंगे वो इस दर्द को भूल नहीं पाएंगे। और मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि सख्ती से इस पर कार्रवाई करें, दूध का दूध पानी का पानी। तीसरे दिन है पुलिस पूरी तरह खड़ी है खाली हाथों कुछ ना, लेकिन हाँ वो जल्द से जल्द इसका न्याय करें। एक जो और इसके साथ साथ जिस दिन ये घटना घटी है उस पोहिया घाट पे भी एक घटना घटी है, वो भी बहुत शर्मसार है। तो मैं चाहती हूँ कानून बहुत चुस्त दुरुस्त होकर के इन सबका बहुत जल्दी से निर्णय ले और क्या सही है क्या गलत है वो जनता के सामने लेके आए। और ये जो अब भयमुक्त हो गया है सब पूरा वातावरण, मैं चाहती हूँ कि ये भयमुक्त जो ये शासन है इस पर निरंकुश लगे, अंकुश लगे, जो ये निरंकुश हो चुका है। मृतक छात्रा के भाई हैं चचेरा ताऊ के बेटे योगेश, उसने भी जहर खाया तो उसकी मौत हो गई। वो एक परिवार में 2 लोगों की मौत हो गई। देखिए परिवार तो बिखर ही गया है, पूरा टूट चुका है। इसमें यही है कि मतलब हम सब लोग उनका सहयोग, उनकी जो भी हम उनके लिए मदद कर सकते हैं तो हम वो मदद करने के लिए खड़े हैं। और इसके साथ साथ सरकार से भी मैं कहना चाहूँगी कि ये जो गरीब पीड़ित परिवार है उसको वो ध्यान में रखते हुए जो भी उस उन परिवार के लिए वो कर सकते हैं वो करें, आगे आए और अपनी उदारता का परिचय दें। महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सरकार, देखिए महिला सुरक्षा तो कहीं है ही नहीं। सरकार बात करती रही है हमेशा बढ़ चढ़ के, उन्होंने मोदी जी ने भी सपने दिखाए हैं कि हम एक अच्छा सुशासन देंगे, भयमुक्त जनता होगी हमारी, किसी से किसी को भय नहीं होगा, अपना प्रेम होगा।
लेकिन मुझे नहीं दिखता कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है, और मैं चाहे स्टेट में है चाहे सेंट्रल में है, वो लोग इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये सब जो दुख है तकलीफें ये आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। क्या दूसरे व्यक्ति को छोड़ा दो, उसके लिए चाहे वो सरकार के किसी व्यक्ति का व्यक्ति हो या कोई भी हो, उसके लिए कोई जगह नहीं, वो जेल जाएगा। तो मेरा आने का उद्देश्य था कि पीड़ित परिवार को ये महसूस ना हो कि वो कमजोर है, उसके पीछे उसके साथ कोई है नहीं, पूरी भीम आर्मी उसके साथ खड़ी है, पूरा समाज उसके साथ खड़ा है। आपको भरोसा है कि जो अपराधी हैं वो सही पकड़े जाएंगे, काम सही ढंग से होगा? देखिए पूरा भरोसा है, और अगर कहीं वो रहेगी तो अभी भीम आर्मी है, हम लोग फिर प्रोटेस्ट करेंगे, सड़क पर आएंगे, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें लगे कहीं से भी एक बार हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ छल हो रहा है तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अगर किसी को बचाया जाएगा तो ये नहीं कर पाएगी पुलिस। धन्यवाद। वरिष्ठ सभा नेता मेरे पास पदवी है, और लेकिन तीन दिन हो गए इसको, इस छात्रा को मरते हुए, वो मर चुकी है, और दूसरी बात ये है कि अभी तक पुलिस के हाथ कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम चाहते हैं कि संजली को इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिला तो? इंसाफ नहीं मिलता तो हम सड़क पर उतरेंगे, और पूरा चारवाटी क्षेत्र एक होगा। आज 35 साल से आज पहली बार ये घटना हुई है हमारे जन्म होते हुए, आज के बाद से पहले कभी घटना नहीं हुई है ऐसी। आजकल छेड़खानी का भी केस मलपरा थाने में दर्ज नहीं है, ना कारोल थाने में दर्ज है, ना आज तक कोई सरबरा ऐसी हरकत नहीं करा है इस नोबल चौराहे पे, जबकि यहाँ पे हर समय कम से कम 50-100 लड़कियाँ हर समय पढ़ने जाती हैं, आती हैं, आवागमन होता रहता है।